हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री जागन्नाथ महादेव मंदिर जीर्णोद्धार व शिव परिवार मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को ट्रस्ट मंडल के नेतृत्व में अति भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। धर्म व देवताओं को समर्पित ये शिवगंज नगर में अब तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है, जिसमें ऐतिहासिक करार दिया गया है। भूमि एकता को प्रदर्शित करती विशालकाय शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से रवाना होकर पुराना बस स्टैंड, मुख्य बाजार होती हुई गोल बिल्डिंग, होली चौक, जामा मस्जिद, अंबिका चौक, शीतल माता चौक, अखड़िया चौक, गोकुलवाड़ी के ज्योतिबा चौक, गोकुल विहार, गोशाला रोड, आर्य समाज रोड से गुजरकर रोडवेज बस स्टैंड के एरनपुरा स्कूल, छावनी के न्यारियों का चौक, बद्री जी का वास, घसी मोहल्ला, तहसील चौराहा, कांति चौराहा से पुनः गंतव्य स्थल मंदिर आकर इसका विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के शुभारंभ पर महाराजा मैदान पर प्रथम मंजिल दुकानदार संघ द्वारा शरबत की व्यवस्था की गई। इसी के साथ ही नवयुवक मंडल, श्री गजानन सनातन धर्म मंदिर समिति, कामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, सिंधी समाज नेहरू नगर, जीवदया गो सेवा समिति, सारणेश्वर महादेव मंदिर, माली समाज, गोकुलवाड़ी सुमेरपुर, मर्केंटाइल बैंक, कल्याण प्रोविजन ट्रस्ट, टैक्सी यूनियन इत्यादि संगठनों के अलावा अनेक अनेक जगह पर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने शरबत, दूध, कोल्ड ड्रिंक व पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था कर भीषण गर्मी में लोगों ने इस सेवा का लाभ लिया। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न संगठनों, व्यक्तिगत लोगों ने अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। सनातन धर्म के 36 कौम की इस शोभा यात्रा में 13 रथ, 2 हाथी, 11 घोड़े, 1 मिनी हेलीकॉप्टर, मनोजरी एंड पार्टी दिल्ली द्वारा शिव जी के बारात की बड़ी झांकी व 5 अन्य आकर्षक झांकियां शामिल की गई। वहीं मराठी नृत्य, पंजाबी भटिंडा नृत्य, 10 ऊंट गाड़ियां, 2 तोप, 2 बड़े ढोल आदिवासी नृत्य, साथ ही बहुरूपीय 3 ट्रैक्टरों में भजन ट्रोलियां, सोजत का गेर नृत्य इत्यादि शामिल कर इसमें लोगों को आनंदित भी किया गया। शिवगंज के बाजार रखे गए बंद, करीब 1.5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में उमड़ उमड़ कर बेहद ही उत्साह व उमंग के साथ लोगों ने शरीक होकर रिकॉर्ड स्थापित किया। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में एक अनुमान के करीब 10,000 से 12,000 लोगों में महिलाएं, युवतियां, पुरुष, युवक, बाल गोपाल ने धर्म व महादेव के प्रति समर्पण भाव से भाग लिया। मुस्लिम समाज ने भी इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में कौमी एकता का परिचय देते हुए पेयजल की व्यवस्था और पुष्प वर्षा कर मिसाल कायम की। शोभा यात्रा के दौरान जागन्नाथ महादेव के चमत्कार व असीम कृपा से कड़ी में एक और अध्याय जब जुड़ा, जब भीषण गर्मी में पसीना पसीना हुए धर्म प्रेमी और लोगों को आसमान में अचानक आकर बादलों ने गर्मी से राहत प्रदान की। सुरक्षा व शांति व्यवस्था की दृष्टि से उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी व पुलिस थाना अधिकारी बुद्धाराम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस जवानों की माकूल व्यवस्था के बीच शोभा यात्रा में ट्रस्ट अध्यक्ष नारायण सिंह राणावत, मंत्री गंगाराम गोयल, किरस्तुराम घाची, कोषाध्यक्ष फूलाराम सुथार, भूपेंद्र गोयल, महिपाल सिंह राणावत, प्रकाश भाटी, कमल किशोर, मांगीलाल टांक, हिम्मत भाटी, भवरलाल परमार, कुंदन राठी, पुखराज मित्तल, प्रतिष्ठा महिला मंडल की संयोजक श्रीमती उषा अग्रवाल, सदस्य ओमबाला परमार, श्वेता अग्रवाल, हस्तुबेन खंडेलवाल, धर्मादेवी भाटी इत्यादि सहित अनेक महिलाओं, सदस्यों व कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था को संभाला। शोभा यात्रा में नगर पालिका चेयरमैन वंजीराम घाची, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण परिहार, पूर्व जिला प्रमुख पायल परासुम रुमिया, नगर पालिका पार्षदों के अलावा श्री गजानन सनातन धर्म मंदिर समिति अध्यक्ष हीरालाल पालीवाल सहित लगभग सभी सदस्यों, श्री हरे कृष्ण ग्रुप के छगनलाल माली व सभी सदस्यों, पेंशनर समाज के अध्यक्ष रघुनाथ मीणा सहित अनेक धार्मिक, सामाजिक, व्यापारी संगठनों ने इस शोभा यात्रा में शिरकत की। ओसालिया से जागरूक टीवी के लिए कल्पना माली की रिपोर्ट।